अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अभी तक आपने देखा, नेहा 12 साल कोमा में रहने के बावजूद स्वस्थ होकर घर लौट आई है और यहाँ सब कुछ बदल चुका है, पर नेहा अपने बचपन के प्यार अमन को भूली नहीं है। अमन कितना हैंडसम दिखता है ना। नेहा को जब ये पता चलता है कि अमन की सगाई उसकी अपनी बहन आकांक्षा के साथ हो रही है तो उसका दिल टूट जाता है। मेघना, आप क्यों नहीं समझते हो? कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। पर आकांक्षा का दिल रखने के लिए वो झूठ बोलती है। अमन का हृदय के सामने कोई चांस ही नहीं है। खुद अपने आप को समझाना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अब देखिए आगे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, आज कुछ स्पेशल है क्या? इतना कुछ बना है। सूरज आ गई है। अरे माँ, अरे संभाल के बेटा, सूरज संभाल के, आराम से, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अरे तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत भूख लगी, चलो नाश्ता। हाँ, 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 अरे सुनीता वो कुर्सी हटाओ, तुम बैठो बेटा, तुम बैठो सूरज वहाँ। आजा माँ, आजा। वाह वाह, आज कितने सालों बाद हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे आपके साथ। हाँ पापा, आज तो नाश्ते का मजा कुछ और ही होगा। पता है, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने आज तक सबको एक साथ नाश्ता करते हुए नहीं देखा है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? आज से रोज त्योहार होगा। तुम्हारी बहन जो आ गई है वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो। चलो बैठो। अरे नहीं माँ, वो ऑलरेडी दुकान के लिए लेट हो गया है। एक दिन देरी से खोल लेना दुकान, कितने दिनों के बाद तो ये मौका आया। चलो चलो बैठो, आप नाश्ता। और क्या, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। आ जा। लो गरम गरम पूरी खाओ। अरे वाह। अरे अरे जल्दी क्या, अरे वो नेहा आ जाएगी ना, सारी पूरियां खा जाएगी वो, इसलिए। अरे वो महारानी है का, आई नहीं, हम सब यहाँ बैठे हैं उसके लिए, सो रही है क्या? नहीं दादी, कब की उठ गई है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। नेहा नीचे आ जाओ नाश्ता करने। आए मम्मा। अरे भाई सुनीता, जल्दी से पूड़ियां लेके आओ, नहीं तो नेहा चिल्लाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपनी अपनी गरम पूरियां संभालो। अरे तुम लोग संभालो, हमारी बेटी हमारे हाथ से खाई। अच्छा बेटा, मैं सिर्फ दूध पीऊंगी। क्यों सिर्फ दूध? अरे पूरी नहीं खाएगी? नहीं नहीं, वो अच्छा है, अगले कितना सारा खाना मनाया, सारा खाना मैं ही खा लूंगा। मैं आज से डाइटिंग कर रही हूँ। नेहा तबीयत ठीक है? हाँ, इसका चेहरा भी सूजा हुआ लग रहा है। बेटा रात में ठीक से सोई तो थी ना? ये नहीं सोई होगी, जब से आई हो चटपट करती रहती हो। आज ना मैं तेरे दादाजी वाली शॉल ढूंढ के रखूंगी, प्रॉमिस। अरे बेटा तुम हमारे कमरे में आ जाती सोने के लिए हमारे साथ। मुझे तो लगता है डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कोई डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और मेरा फेस सूजा हुआ नहीं है, वो तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, ऐसे फेस मेरा गोल सा हो गया, एकदम गोल। आप मुझे इतना खिलाते रहते हो। अच्छा तो अब ये सब शुरू हो गया तेरा, और मुझे मोटू भैया बोलती रहती है। नेहा कोई डाइटिंग नहीं, तुम कितनी कमजोर हो गई हो पता भी है, भागने दौड़ने लगी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तेरे अंदर ताकत बिल्कुल नहीं है। चल बेटा अच्छे से खा, देख तेरे पसंद की खीर है, चने हैं, लेना बेटा।
देखो आप पापा के हाथ से एक क्रैच ऐसे वाओ। हाँ भाई पुरियां दो सर, पुरियां दो। पापा के हाथ से। आप मुझे इधर खिला दे जा रहे हो। अक्कू को देखो वो इतनी पतली है, उसके मुंह में कोई नहीं ठूसता। अरे अरे नहीं नहीं बिल्कुल, अरे संदीप अक्कू को भी खिलाओ ना भाई। अब ठीक है एक ही आपके लिए। हाँ लो खा ले। चल चल एक बाइट और एक बाइट। अरे अरे चिट भी तेरी और पट भी तेरी। अरे सब लोग इतने प्यार से खिला रहे, खा लेना। अक्कू गायत्री आंटी के साथ शॉपिंग के लिए कितने बजे जाना है? मेरे ख्याल से ना वो आज एंगेजमेंट रिंग लेने वाली है। हाँ भाभी बस नाश्ता करके निकलेंगे। दीदी आपको भी चलना है? हाँ मैं नहीं जा रही। अरे पर गायत्री आंटी ने आपको भी बोला है। मैं दीदा साथ पूरे दिन सीरियल देखूंगी। दीदी प्लीज चलिए ना, दादी मैं अकेली जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना। प्लीज दीदी चलिए। ब्रेकिंग न्यूज, नेहा ने आज शॉपिंग के लिए मना कर दिया। चल भाव मत का, जा शॉपिंग के लिए, घर बैठे बैठे मोटी हो रही हो। आप मोटू भैया खिलाओ से खिलाओ, बहुत वीक हो गई है। खिला चल, तू चुप रह, तू खिला। सबको हंसाए, सबको मिलाए, फिर खुद क्यों गुमसुम है वो। मांगा जो था क्या इतना ज्यादा, क्यों छिन गया तुझसे वो। आज सुनो आते वक्त ना सूरज के लिए व्हाइट स्पोर्ट्स शूज लेकर आ जाना। हाँ ठीक। उसके स्कूल में कुछ फंक्शन है तो टीचर ने कहा है कि व्हाइट स्पोर्ट्स शूज कंपलसरी है। ओके ये लो। अरे इतने सारे क्यों दे रही हो? अरे जो बचेंगे ना बैंक में डिपॉजिट कर देना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा ठीक। संदीप। हाँ माँ। मुझे जरा काम था। तुम्हारे पापा किसी ग्राहक को मिलने चले गए इसलिए मैं बात ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा मैं तुमसे ही पूछ लूं। हाँ तो बोलिए ना माँ। वो क्या है ना, नेहा और आकांक्षा गायत्री भाभी के साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं उनके हाथ में कुछ पैसे दे देती हूँ। वैसे तो अपनी तरफ की शॉपिंग गायत्री भाभी कर लेगी, पर अगर अक्कू को कुछ पसंद आ जाए तो वो खरीद लेगी। मतलब समझ रहे हो ना, उनके हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए। शाम को आएंगे तो मैं लौटा दूंगी, बस अभी के लिए कुछ अगर। हाँ तो ये लीजिए ना, रख लीजिए। बेटा ये तेरे कुछ काम के तो नहीं है? वो क्या है ना, अचानक जरूरत आन पड़ी तो बस क्या बताऊँ। अरे ऐसा क्यों कह रही है मम्मी, आप मेरे पास थे ना पैसे, आप रख लीजिए, आकांक्षा को दे दीजिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। चल थैंक यू। सूरज के टीचर ने नोट लिख के भेजा था, अगर व्हाइट स्पोर्ट्स शूज नहीं आए ना तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो मम्मी ने कहा है ना कि शाम तक दे देंगे, और मैं क्या कहता हूँ उनसे, मेरे हाथ में पैसे थे उस वक्त। तो ठीक है होने दो दोनों बहनों की शॉपिंग, बेटे को पनिशमेंट मिलती है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अरे तो मैंने कहा ना कि मैं ले आऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम ना बात का बतंगड़ बना देती। संदीप जो तुम्हारे दिल में आता ना तुम वो करते हो, और बतंगड़ मैं बनाती। मैं अपनी सैलरी से एडवांस लेकर आई थी सूरज के लिए, तो पैसे भी मैं लेकर आऊं और सुनो भी मैं ही, तो मैं वैसे भी कोई परवाह नहीं, ना मेरी ना अपने बेटे की। ये देखिए साड़ी। दीदी आइए। मम्मी बनारसी देखिए ना। ये बनारसी दिखाइए। हाँ जी ये देखिए बनारसी साड़ी, और इसमें असली जरी का काम किया हुआ है। अरे हमारी नजर सोने और पीतल में फर्क जानती है, अपने ब्याह में ऐसी ऐसी बनारसी साड़ियां पहनी है तुम लोगों ने तो देखी भी नहीं होंगी। तो ऐसे बताइए ना माँ जी कि आपकी नजर बहुत ही पारखी है। अरे जीत वो कल जो स्पेशल साड़ी है तो जरा दिखाओ माँ जी को। वैसे ये कितने की है? सिर्फ 60,000 रुपए। नहीं भाई साहब
कोई और दिखाइए जो थोड़ी अच्छी हो। अरे बद्रीनाथ गोयल के पोते की शादी है, कोई कमी थोड़ी छोड़ेंगे, दिखा। ये देखिए माँ जी, ये साड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें असली सोने के तार का काम किया हुआ है और कारीगरी भी देखिए। कितने की है? अरे सस्ती है, सिर्फ 80,000 रुपए। सोने का काम और वाजिब दाम। और माँ जी ऐसी साड़ी आपको पूरे आगरा में कहीं नहीं मिलेगी। भाई साहब ये साड़ी बहुत महंगी है, हमें साड़ी सगाई के लिए चाहिए, शादी के लिए नहीं। अमन की सगाई भी तो एक ही बार होनी है ना गायत्री। बहन जी आप मुझे अपना रेंज बताइए, मैं उसी रेंज में आपको साड़ियाँ दिखा दूंगा। जो हम खरीद सकें वो रेंज होनी चाहिए, ये सब नहीं। अगर आपके पास हो तो बताइए, नहीं तो हम कहीं और जाके ले लेंगे। अरे बहन जी आप तो नाराज हो गई है ना, हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, हर रेंज में है, अभी दिखाता हूँ आपको। अब चुचुंदर चमेली का तेल लगाएंगे सिर पे। अच्छी लग रही। मैंने तो ये मम्मा लग रही, एकदम आंटी टाइप। तुझे बांधनी भी नहीं आ रही ना, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। वेलकम नितिन की अम्मा। लो आ गई भैया, अब भैया हेल्प करेंगे तुम्हारी साड़ी सिलेक्ट करने में। अब देर हो गई बेटा तुम्हें। देखिए भाई साहब, या तो आपके यहाँ चीज महंगी है या कोई ढंग की नहीं, हम कहीं और चलते हैं। अक्कू देखो नाइस ना। हाँ बहुत सुंदर है। मम्मी वो देखो नेहा ने जो साड़ी पहनी है, अच्छी है ना? हाँ वो साड़ी अच्छी है। ऐसा वो साड़ी कितने की है? 7,500 की बहन जी। आकांक्षा तुम्हें पसंद है वो साड़ी? जी। जाओ देखो। वाह दीदी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, आपकी चॉइस ना हमेशा बेस्ट होती है। तुमने साड़ी सिलेक्ट कर ली? हाँ। कौन सी? ये वाली दीदी, मुझे ऐसी ही चाहिए थी, आपने कहाँ से ली? हम लोग तो साड़ियाँ देखते देखते थक गए, ऐसी मिली ही नहीं। क्या हुआ कांचा? मम्मी ये वाली फाइनल। पक्का? हाँ ये अच्छी है। भाई साहब ये साड़ी पैक कर दीजिए और डिस्काउंट देना। जी मैडम जी। थैंक यू दीदी। जब मैं छोटी थी ना तब भी मुझे वही चीजें चाहिए होती थी जो दीदी की होती थी, है ना? चलो भगवान की दया से बारिश रुक गई है, पहले सगाई की अंगूठी पसंद कर लेते हैं, पास में दुकान। अमन भी साड़ी की पेमेंट करके आता ही होगा। क्या हुआ दीदी? चलो कुछ नहीं। चलो चलो जल्दी चलो भाई, हमारे घुटने दुख रहे हैं, दुकान पे जाके आराम से बैठ तो जाएंगे। चलो जी।
हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। खार भी नहीं है? नहीं है। आज फर्स्ट अप्रैल भी नहीं है? हाँ नहीं है, मतलब क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुम्हें हुआ क्या है? इतनी सीरियस क्यों? आई एम श्योर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो तुम जैसी जेब चुप कैसे रह सकती? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ क्यों? तुम इतना क्यों बोल रहे हो? कार्तिक, check this out. This is really nice, huh? I too loved it. अच्छा सुनो ना, next year ना हम स्विट्जरलैंड जाएंगे. Snow से भरे mountains के ऊपर cable car में सिर्फ तुम और मैं. Just imagine, only two of us. हाँ पर अभी time है उसके लिए. मेरे पास इतने पैसे नहीं. अरे तो क्या हो गया? मेरे खर्चे मैं खुद उठाना चाहता हूँ. वो कार्तिक, तुम और तुम्हारे खर्चे, हमेशा तुम पैसे खर्च के बारे में ही सोचते रहते हो. पैसे नहीं है इसलिए तो खर्चे का सोचता हूँ. एनीवेज हमें बातें लेकर क्यों बैठ गए? एग्जैक्ट. अच्छा मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई. वॉच दिस, नाइस ना? थैंक्स यार. सिर्फ थैंक्स? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आई थॉट दिस इज रियली कूल यार. हाँ पर ये सब की जरूरत नहीं थी. बात जरूरत की नहीं है कार्तिक, मैं तो सिर्फ ये प्यार से लाई थी, खास तौर पे तुम्हारे बारे में सोच. क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं? आई मिस्ड यू. आई मिस्ड यू टू. हाय दया. गलत टाइम पे आ जाती हैं. मौसी नॉक तो कर दिया करो. ठीक है मुन्ना, और हमने तुम्हारे लिए ये मीठी शक्कर वाली चाय बनाई है. दूध कम है. थैंक यू. मौसी ड्राइवर को भी चाय दे दो. कौन? रामलाल आया है? वारे वा? हाँ वही है. अच्छा उसकी चाय में ना जानत है, जानत है मीठी पसंद है उनका. तो उनका चाय देकर आ है. चलो ये तो गई दो घंटे के लिए. अब जल्दी से पता कर लेता हूँ बाकी सब कब लौट रहे हैं. मेरा मॉम तुम्हें यहाँ देखेंगे तो बैंड बजा देंगे. हेलो नीता. हाँ हो गई शॉपिंग? अच्छा अभी एक घंटा और लग जाएगा. नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था. चल बाय. चलो वी हैव टाइम, अभी वो लोग एंगेजमेंट रिंग खरीदेंगे. देखिए मन, तुम ही देख लो गाइस, अब हमारी पसंद की औकात तो तुम्हारी है नहीं. और ये अमन कहाँ रह गया? दादी जी वो उनका कोई फोन आया था तो वो बाहर बात कर रहे होंगे. देखो मैंने आपको अपनी सिलेक्ट करी, मुझे मेरी चॉइस पसंद है. तो कैसी है, सुंदर है ना? पहन के देखिए मैम, अच्छी लगेगी. हाँ पहनो. आपका बेटा कहाँ है, उसे बुला लीजिए, वही पसंद करेगा अपनी सगाई की अंगूठी. वो रहा. मियां बीबी ने तो खुद ही अंगूठी पसंद कर ली. क्या जोड़ी है, एकदम राम और सीता की. लाला अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या तुम्हारे? यहां बैठे बैठे जोड़ियां बनाते रहते हो. शी हमारी बहू नहीं है, इसका तो लच्छन ही कुछ और है. ये है हमारी बहू, सुंदर और सुशील. आपसे कहा ना कि अंगूठी इस बच्चे के लिए दिखानी है आपको. माफ कीजिएगा बहन जी, वो दोनों साथ में खड़े थे, जोड़ी लगती है ना. ये अमन, वहां किसके लिए अंगूठी देख रहे हो? इधर आओ,
चाकू, ये देख तेरे लिए मैंने रिंग सिलेक्ट करी, अच्छी है ना? ये नहीं चलेगी, कोई और दिखा। दीदी आप यहाँ रुके ना, रिंग सिलेक्ट करने में आप मेरी हेल्प कीजिए। नहीं इजी चल रहा है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैं बाहर वेट करती हूँ। नेहा तुम ठीक हो ना? अमन काम खत्म कर ले पहले, वैसे ही बहुत देर हो चुकी। तुझे चोट लगे दर्द मुझको उठे, तेरे बिन क्यों अधूरा अधूरा लगे, एहसास है ये कैसा।